अगर हमें सीरीज कॉम्पलेशन का क्वेश्चन दिया जाए तो हम उसे किस तरह सॉल्व करते हैं, चलिए सीखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है 4, 6, 12, 14, 28, 30 देन क्वेश्चन मार्क। सो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाता है देखते हैं। सो सीरीज कॉम्पलेशन के क्वेश्चन में पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अब क्वेश्चन में जो टर्म्स गिवन है हमें ये देखना है क्या वो टर्म्स एक बढ़ते ऑर्डर में है या वो एक टर्म्स एक घटते ऑर्डर में है, टर्म्स बढ़ रही हैं या घट रही हैं। सो यहाँ पर देखो टर्म्स क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। सो इसका मतलब ये है कि या तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है या फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। इतना तो क्लियर है कि या तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा या फिर यहाँ पे एडिशन हो रहा होगा। अब अगर एडिशन होगा तो टर्म्स एक रेगुलर इंटरवल पे बढ़ेंगी या ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेंगी, बट अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा तो टर्म्स एकदम जल्दी जल्दी बढ़ेंगी, जैसे 4, 16, 64 इस तरह से। तो वहां पे हो सकता है मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो। तो यहाँ पर चेक करते हैं यहाँ पर गैप कितने का है। सो 4 और 6 के बीच में गैप कितना आ रहा है, 2 गैप है। यहाँ पर गैप कितना है, 6 गैप है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे गैप दे रखा है। देन यहाँ पर अगर हम बात करें कितना गैप दे रखा है, तो यहाँ पर अगेन 2 का गैप है। यहाँ पर अगर हम गैप चेक करें यहाँ पे 8 का गैप है। यहाँ पे अगर गैप चेक करें तो 2 का गैप है। तो ये किस तरह से गैप दे रखा है, 2, 6, 2, 8, 2, तो समझ नहीं आ रहा है। सो इस तरह के क्वेश्चन में क्या देखना है कि जो ये ऑल्टरनेट टर्म्स हैं, जैसे एक छोड़ के जो टर्म है, जैसे 4 के बाद क्या है 12, 12 के बाद क्या है 28, तो इनका गैप जो है ना वो सेम है। जैसे अगर इन टर्म्स को मैं इस तरह लिख देता हूँ कि 6, 14 और 30 को एक तरफ लिख देता हूँ, 6, 14 और 30 को एक तरफ लिख देता हूँ, और एक टर्म को 4, ठीक है 4, देन 12, देन 28 और देन क्वेश्चन मार्क, इसको एक तरफ लिख देता हूँ, 4, 12, 28 क्वेश्चन मार्क। सो अगर अब हम ध्यान से देखें तो इनके बीच में गैप कितना है, 8 का। इनके बीच में गैप कितना है, 16 का। अगेन इनके बीच में गैप कितना है, 8 का। इनके बीच में गैप कितना है, 16 का। सो इसका मतलब गैप जो है ना वो डबल होता जा रहा है। यहाँ पर गैप 8 का था, यहाँ पर गैप 16 का हो गया। तो यहाँ पर गैप कितने का हो जाएगा, 32 का हो जाएगा। सो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 32 प्लस 28, और 32 और 28 कितना होता है, ये 10 हो जाएगा और ये 6। सो आंसर विल बी 60। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 60 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमें दे रखा है 325, 259, 204, 160, 127 एंड 105 देन क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पर हमें चेक करना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो सकता है, एडिशन पॉसिबल हो सकता है, सब्सट्रैक्शन पॉसिबल हो सकता है, डिवीजन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, या कुछ मल्टीप्लाई करके देन उसमें से कुछ माइनस कर सकते हैं, देन कुछ मल्टीप्लाई करके उसमें कुछ प्लस कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे केसेस पॉसिबल होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का एक ओवरव्यू लेना है और देखना है कि यहाँ पर वैल्यूज बढ़ रही हैं या फिर घट रही हैं, और ज्यादा गैप से बढ़ रही है या कम गैप से बढ़ रही है, इस तरह देखना है। सो यहाँ पर 325 है, ये 259 है, इनके बीच में गैप देखते हैं कितना है। सो इनके बीच में जो गैप है ना वो 66 का है, मतलब 325 में से अगर 66 सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना आता है, 259 आता है। अब अगेन अगर हम 259 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 204 आए, तो अगर हम यहाँ पे गैप देखते हैं तो ये गैप आएगा -55 का, ठीक है। अगेन आप 204 में से कितना माइनस करें कि 160 आए, गैप कितना है इनके बीच में, तो ये 160 में 40 ऐड करते हैं तो 200 देन 4, सो ये 44। सो यहाँ पर हमें एक चीज स्ट्राइक होगी माइंड में, एकदम से कुछ चमकेगा, ठीक है, क्या चमकेगा कि यहाँ पर 66 है, यहाँ पर 55 है, यहाँ पर 44 है। सो अगर हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 33 का गैप होना चाहिए, और बिल्कुल 33 का गैप है। अगेन यहाँ पे कितना गैप होना चाहिए, यहाँ पे गैप होना चाहिए 22 का, तो 22 का ही गैप है। देखो 127 में से अगर 105 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 22 ही आएगा। सो यहाँ पर कितने का गैप होगा, 11 का गैप होगा। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 105 में से अगर हम 11 को सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना आएगा, 96 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, देन अगेन एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 5, 6, 9, 15 क्वेश्चन मार्क देन 40। सो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो अगेन वही चीज देखनी है कि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, या कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ सब्सट्रैक्शन हो रहा है, या कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ एडिशन हो रहा है, या डिवीजन करके कुछ एडिशन हो रहा है, या डिवीजन करके कुछ सब्सट्रैक्शन हो रहा है, वही चेक करते हैं।
सो इस सीरीज को अगर हम ध्यान से देखें तो ये सीरीज एक बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में है। पहले 5 था, देन 6, देन 9, देन 15, और कुछ खास मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज भी नहीं लग रही है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अगर होती तो सीरीज ज्यादा अंतर से बढ़ती। सो यहाँ पर हम गैप चेक करते हैं, 5 और 6 के बीच में गैप कितना है, +1 का गैप है, ठीक है। 6 और 9 के बीच में कितना गैप है, +3 का गैप है। 9 और 15 के बीच में कितना गैप है, +6 का गैप है। 15 और इसके बीच में कितना गैप होगा, और इसके बीच में कितना गैप होगा। सो अगर ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में होता तो हमें थोड़ा और इजी पड़ जाता है, बट क्वेश्चन मार्क इसने बीच में दे दिया है। सो तो भी घबराने वाली बात नहीं है। सिंपल कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व, जैसे 5, 6, 9, 15 क्वेश्चन मार्क, देन 40। सो गैप देखना है, गैप कितने कितने का है। 5 और 6 के बीच में 1 का गैप है, 6 और 9 के बीच में 3 का, 9 और 15 के बीच में 6 का। सो अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, +1 को हम सिंपल +1 लिख सकते हैं, लेकिन +3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, +1, +1 एंड +2 लिख सकते हैं ना। देन 6 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, +1, +2, +3 बिल्कुल लिख सकते हैं। सो यहां पर जो वैल्यू होगी, ठीक है, सपोज करो यहां पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी अगर हम इसी ऑर्डर में चलते हैं, तो वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, +2, +3, +4। मतलब वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4, +3, 7, 8, 9 और 10। तो वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10। तो 15 में अगर हम 10 ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 25 और 40 के बीच में कितना गैप आता है, 15 का। तो देखते हैं क्या हम सही जा रहे थे, 1, +2, +3, +4, +5। सो इसको ऐड करते हैं, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 14 15। तो हम बिल्कुल सही जा रहे थे, ठीक है, हमारा लॉजिक जो था वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा था। ओके, सो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, 4, 10 क्वेश्चन मार्क 82, 244, 730। सो इसमें किस तरह का लॉजिक लगने वाला है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये होमवर्क है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको कितना आया है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना।